नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे धमतरी से बड़ी खबर के। धमतरी में उफान पर है आठ देहरा नाला, जहां उफनते नाले को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं और यात्री बस ने उफनते नाले को पार किया। जान को खतरे में डालकर नाला पार किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते सीता नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खबर धमतरी से है, जहां पर आठ देहरा नाला उफान पर है, बारिश के पानी से भरा हुआ है और बहुत तेज रफ्तार में पानी जा रहा है। गाड़ियां इस उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रही हैं। यात्री बस ने उफनते नाले को पार किया, जान को जोखिम में डालकर नाला पार करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के चलते सीता नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जहां दो पहिया चालक, चार पहिया चालक, यहां तक की बसें भी इस पानी से लबालब नाले को पार करने की कोशिश करती हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, जब एक बहुत बड़ा डंपर एक कागज की नाव की तरह पानी में बह गया था और बावजूद इसके लोग सीख नहीं लेते हैं। और ये तस्वीरें धमतरी के पास की हैं, जहाँ पर लोग इस पुल को पार करने की कोशिश करते हैं। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, क्या कोई रोक टोक नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, मजबूरी भी हो जाती है कई बार लोगों को ऐसे रास्ते से निकलने की जहां पर जोखिम होता है? बिल्कुल, यही रीनू जो आप कह रही है वही स्थिति है। इकलौता रास्ता है यही रास्ता, बोराई क्षेत्र को और आगे जाके उड़ीसा को भी जोड़ता है। तो ये दूसरा ये की पहाड़ी नाला है, जिसमें की पानी का जो स्तर है काफी तेजी से अचानक से बढ़ जाता है और ऐसे में ही खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि आप अगर पार कर रहे हो खतरा उठाकर और अचानक से पानी का स्तर और बढ़ जाए तो फिर बहने की या जान जाने की या डूब जाने की का खतरा बिल्कुल बना हुआ होता है। हर साल ये नाला जो है वो इसी तरह से बनता है, जरूरत है इसे और ऊपर करने की। जहां तक रोक टोक की बात है तो समझाइश दी जाती है, अपील की जाती है और चेतावनी दी जाती है, लेकिन आम लोगों पर इसका असर कभी देखने को नहीं मिलता। दो साल पहले इसी नाले पर एक ट्रक बह गया था, चालक को किसी तरह बचा दिया गया, लेकिन हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। रीनू, शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। युवक के अपहरण और हमले के आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और इनका जुलूस निकाला गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। दरअसल युवक के अपहरण और हमले का आरोपी है और इन आरोपियों को जब पकड़ लिया गया दिल्ली से, इसके बाद इन्हें उठक बैठक लगवाई गई और रायपुर शहर में इन्हें कान पकड़कर घुमाया गया। तो आप ये देखिए, पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब इस तरीके से सजा दी जाती है और ये बहुत अलग तरीके से इन आरोपियों को सजा दी गई, जहां इनके आधे बाल कटवा दिए गए, उठक बैठक लगवाई गई और कान पकड़कर इलाके में घुमाया गया। तो देखिए, युवक के अपहरण का इन पर आरोप है और दिल्ली से इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गया। युगल, ये अनोखे अलग तरीके से ये जो आरोपी उनको सजा दी जा रही है, हम देख पा रहे हैं बहुत अलग तरीके का इनका हेयर कट करवा दिया गया, कान पकड़कर जुलूस निकाला गया इनका। देखिए रेनू, ये वही बदमाश है जो दहशत फैलाने के लिए इस तरह से जो एक शंकर नामक युवक है उसकी जमकर पिटाई की, बेसबॉल की बैट से मारा, उसे अधमरा करके छोड़ दिया और बाकायदा सोशल मीडिया में अपना वीडियो बनाकर अपलोड किया। ये दहशत फैलाने का काम कर रहे थे और अब देखिए, जब पुलिस ने इनको पकड़ा है तो इनकी दहशत देखिए कि कान पकड़ कर ये उठक बैठक कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो इनकी दहशत खत्म करने के लिए इस तरह के जो तरीके हैं वो पुलिस है वो अपनाती है और जायज भी है, क्योंकि समाज शांतिप्रिय लोगों का स्थान होता है। और इस तरह से आप सोचिए, किसी एक निहत्थे व्यक्ति को चार लोगों ने बुरी तरह से पीटा और लगभग 20 किलोमीटर दूर ले जा करके जंगल में फेंक दिया था और उसकी जान पर बनाई थी। अभी भी जो शंकर है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और इस बीच ये इस घटना को करने के बाद दिल्ली के लिए फरार हो गए थे।
लेकिन छत्तीसगढ़ की गुड़ियारी की पुलिस ने उन्हें दिल्ली से दबोचा है और अब ये पुलिस के सामने इनकी गिग्गी बन गई है और ये खुद अब माफ़ी मांग रहे हैं। तो खास तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे गुंडा बदमाशों का इस तरह का हश्र होना भी चाहिए, क्योंकि कानून को हाथ में लेकर के ये दहशत फैलाने का काम है वो कर रहे थे। अब इन चारों आरोपियों को आदतन आरोपी है, नशे के कारोबार में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, हमेशा नशे से चूर भी रहते हैं और इन आरोपियों को अब सलाखों के पीछे गुड़ियारी पुलिस ने भेज दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो अब इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और इन्हें गुंडागर्दी जिस तरीके से करते हैं, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद इन्हें ये कड़ी सजा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। सुकमा में दो नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिए गए, जवानों ने ध्वस्त किया नक्सली कैंप। जवानों ने सिंगाराम में ध्वस्त किया है कैंप, जहां गोलापल्ली थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान ध्वस्त किया। बड़ी खबर है सुकमा से, जहां दो नक्सली कैंप ध्वस्त किए गए हैं। जवानों ने ध्वस्त किया नक्सली कैंप, जवानों ने सिंगाराम में ध्वस्त किया कैंप, गोलापल्ली थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई हुई है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान ध्वस्त किया था। तो ये देखिए, ये नक्सली कैंप हैं जिन्हें जवानों ने ध्वस्त किया और ये एक अलग तरीके से अपने कैंप की स्थापना करते हैं नक्सली और इसे जवान ध्वस्त करते हुए नजर आए हैं। दरअसल सुकमा के जंगलों में अलग अलग क्षेत्रों में नक्सली अपना ठिकाना बना लेते हैं और इन ठिकानों को ध्वस्त करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जहां पर दो नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया गया है और इसका वीडियो भी अब सामने आया है। जिस तरीके से नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जवानों की जो सर्चिंग ऑपरेशन है उससे डरे हुए हैं और इस वजह से कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, नाकामयाबी होती है और उसके बाद नक्सलियों के दो स्मारक ध्वस्त कर दिए गए हैं। सर्चिंग के लिए निकले थे जवान और इस दौरान यह स्मारक मिले जिन्हें ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुकमा की। विधानसभा में उठा टी शर्ट और टोपी खरीदी का मामला, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने की थी खरीदी। बीजेपी विधायक राजेश मूलत ने मामला उठाया, बिना टेंडर के 3,75,00,000 रुपए की खरीदी हुई। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की बात कही। तो खबर विधानसभा में उठा टी शर्ट और टोपी खरीदी का मामला, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खरीदी की थी। बीजेपी विधायक राजेश मूलत ने उठाया मामला, बिना टेंडर के 3,75,00,000 रुपए की खरीदी हुई। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की बात कही है। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला काफी चौंकाने वाला है। संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, टी शर्ट और टोपी खरीदी का मामला गूंजा, जहां पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने मामला उठाया है कि बिना टेंडर के ही 3,75,00,000 रुपए की खरीदी कर ली गई। जी बिल्कुल, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जो है वो गर्मा गर्मी रही। विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन ये सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने भी कई मुद्दे जो है वो उठाए हैं। जो पूर्ववर्ती सरकार में जो मामले हुए थे उसको लेकर राजेश मूणत ने टोपी खरीदी का मामला उठाया है और भी टी शर्ट कैप तमाम जो चीज़ें सामग्री में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने ध्यानाकर्षित कराया। इसको लेकर जो है मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन अगर शुरू से विधानसभा सत्र को देखें तो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की सप्लाई लोगों को करनी थी, कितना काम हुआ है उसको लेकर धर्मलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया था, उसको भी कार्य पूरा करने के निर्देश जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही जो उद्योगों के अंतर्गत जो श्वासगत समस्या आ रही है उसको लेकर सवाल उठाए हैं। विधायक अनुज शर्मा ने रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े कंपनियां हैं जो स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर रही है। स्वास्थ्य शिविर लगाने का एक नियम है, लोगों का स्वास्थ्य जाँच कराना है कर्मचारियों का, लेकिन वो भी नहीं कराया जा रहा है। तो ऐसे कई कंपनी है जिसको चिन्हित किए गए और मंत्री ने भी इसको लेकर जानकारी मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा मुद्दा उठाया, जो 18,00,000 आवास देने की
की बात जो सरकार कहती रही, तो उन्होंने पूछा कि 18 लाख आवास जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के साथ दिए गए हैं, ये पूर्व की में दिए गए आंकड़े हैं या फिर मिलाकर दिए गए, इस तरीके से उन्होंने संक्षिप्त में सवाल पूछा, तो इस पर भी जो है जवाब दिए हैं कि सही तरीके से कार्रवाई हो रही है और जो है कि सभी को प्रधानमंत्री आवास। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब ये मामला काफी गरमाया हुआ है, देखना यह है कि इस पर क्या कोई एक्शन